गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ पंक्ति दवे फ्रॉम मासापुरा विद्या संकुल आज हम लोग आपके ऐसे में निबंध लेखन गाय वह देखेंगे समझेंगे और हमारी ऐसे कॉपी के अंदर लिखेंगे सो नाउ लेट स्टार्ट अबाउट काउ गाय गाय एक पालतू पशु है वह कई रंगों में देखने को मिलती है जैसे कि सफ़ेद काली भूरी और काबरचित्री मीन्स उसको आ, गोपाल गाय के नाम से भी जाना जाता है विश्व के सब देशों में यह गाय पाई जाती है इसके दो आँख दो कान एक लंबी पूंछ और चार टांगे भी होती है गाय हरा घास खाती है गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक और उपयोगी होता है इससे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है गाय का दूध प्रोटीन का एक उच्च स्तोत्र माना जाता है इसके दूध में से बहुत सारी खाद्य वस्तुएं बनती हैं जैसे मक्खन पनीर घी दही आदि चीजें गाय का गोबर भी बहुत ही उपयोगी होता है इसमें उबले बनाए जाते हैं कई जगह पर गोबर से बायोगैस भी बनाई जाती है जो कि ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है इसके अलावा गाय के गोबर की खाद में से खाद के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है खेत जोतने में और बहुत जगह पर ये खाद्य उपयोगी होता है भारत में गाय के एक भारत में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है और गाय माता के रूप में भी इसकी पूजा की जाती है गाय को मारना एक बहुत ही बड़ा अपराध माना गया है शास्त्र के अनुसार इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि गाय एक दूधालू पशु है वह बहुत ही उपयोगी है पालतू पशु है उनके दो सिंग होते हैं एक लंबी पूंछ होती है पूंछ के अंत में भाग में बालों का गुच्छा होता है गाय खुद एक शाकाहारी प्राणी है वह घास खली दाना और भूसा खाती है गाय हमें दूध देती है गाय का दूध पचने में हल्का स्वाद में मीठा और पौष्टिक होता है गाय के बच्चे को बछड़ा भी कहते हैं जो बड़ा होकर बैल जोतने में काम आता है तो सचमुच गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है इस प्रकार कहा जा सकता है कि गाय एक उपयोगी कामधेनु है गाय को गौ माता और कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है तो आज का यह ऐसे आपको आपकी ऐसे कॉपी के अंदर लिखना है नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग वापस मिलेंगे तब तक सबको गुड बाय टेक केयर सेल्फ